बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही टेस्टी जूसी स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ लोग उसे चिकन स्पैगेटी का नाम देते हैं, कुछ लोग उसे चिकन नूडल्स का नाम देते हैं। सो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पानी उबलने रख दिया है। जब पानी में हल्का सा बबल्स आने लग जाए तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल दूंगी, 1 पैकेट स्पैगेटी का शामिल करूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे 10 से 15 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। मैं तो कहती हूँ आप लोग ये रेसिपी पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है पर बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। तो यहाँ हमारे नूडल्स जो हैं बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसे ड्रेन आउट कर लेंगे। इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 कप जो है मैंने शिमला मिर्च ले ली थी जिसे मैंने लंबा लंबा जूलियन कट कर लिया था, और साथ ही साथ 1 कप मैं प्याज शामिल करूँगी। दोनों चीज़ों को 10 से 15 मिनट तक मैं सौते कर लूँगी। जी तो शिमला मिर्च और प्याज जो है सौते हो चुके हैं। अब हम इसे साइड पे करेंगे और एक पैन लेंगे, उसमें मैं 1 टीस्पून बटर का शामिल करूंगी। जब बटर मेल्ट होने लग जाए तो इसमें मैं 1 बोनलेस चिकन शामिल करूंगी जो कि मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक चिकन का जो कलर है वो वाइट ना हो जाए। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काले मिर्च पाउडर। स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चटपटी सी बनाई थी इसलिए मैंने थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा रखे हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब अच्छे से ये चिकन भुन जाए तो हम इसे शिमला मिर्च और प्याज में शिफ्ट कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट तक इसमें भी हम लोग अच्छे से भूनेंगे इसे। अब हम इसमें बॉईल की हुई नूडल्स शामिल करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ऊपर से हम इसमें सिराशा सॉस ऐड करेंगे। थ्री टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। आप लोग नॉर्मल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मज़ेदार सी टेस्टी सी जूसी सी स्पैगेटी हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।